भागलपुर के कई पंचायतों में सात निश्चय योजना के तहत कई पंचायतों में पेयजल, गली नाली और हर घर बिजली पर जोर शोर से काम चल रहा है, लेकिन कई स्थानों पर ये योजनाएं बदहाली के कगार पर भी पहुंच चुकी है। वही तकरीबन चार साल पहले ही जिले के नादगढ़ प्रखंड अंतर्गत कोसाइदपुर पंचायत के हरिदासपुर पंचायत में पायलट प्रोजेक्ट के तहत वार्ड संख्या 11 में पेयजल और गली नाली योजना का शुभारंभ हुआ था, लेकिन उद्घाटन के चार साल बाद भी वार्ड 11 में कई घरों में नल नदारद है। वही जहां नल है भी वह भी टूटा फूटा है। ऐसे में लोग चापकल और कुआं के सहारे टिके हुए है। चापकल से पानी पीने के लिए गाँव वाले मजबूर है। हालांकि कुछ घरों में पानी की आपूर्ति नल के सहारे हो रही है। सोलर प्लेट भी चलाया जा रहा है। यही नहीं, गांव में सड़क भी जर्जर है, जबकि नाली नहीं रहने से लोग अपने घरों में या सार्वजनिक स्थानों पर किसी तरह पानी रखने के लिए विवश है। यह आपको बता दें कि बिहार के मुखिया नीतीश कुमार ने खुद 20 जनवरी 2017 को इस वार्ड के 110 घरों में पेयजल की व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए सोलर सिस्टम से संचालित वाटर पंप का उद्घाटन किया था। इस दौरान लोगों को उम्मीद थी कि अब उन्हें आर्सेनिक मुक्त पेयजल आसानी से उपलब्ध हो जाएगा, लेकिन करीब 2 साल के अंदर पेयजल पूर्ति के लिए लगाए गए सिस्टम पूरी तरह से फेल हो गए। वही इस संबंध में वार्ड संख्या 11 की पार्षद सपना देवी ने बताया कि जल नल का काम पीएचसी के जिम्मे है, उन्हें ही काम को पूरा करना है, लेकिन पीएचसी इस ओर ध्यान भी नहीं दे रहा है। जबकि मुखिया पिंकी देवी पूरे मामले से पल्ला झाड़ते हुए कहा कि पीएचसी को जल काम पूरा करने के लिए कहा गया है। उन्होंने कहा कि उनकी स्तर से प्रयास हो रहा है, जल्द ही सभी घरों में नल जल का काम पूरा हो जाएगा। वो पंचायत उपेक्षित नहीं है, सभी पंचायतों पर ध्यान दिया जा रहा है। अभी नल जल योजना पीआरडी से होता है और पीएचडी से होता है। वो हरदासपुर गांव है, गोसाईदासपुर पंचायत, तो वहाँ 100% पीएचडी से होना है और काम हो भी रहा है। हम समझते हैं कि बहुत जल्दी पूरे पंचायत में नल जल का पानी मिलने लगेगा। गुसाईपुर पंचायत के वार्ड 11 में जल नल योजना की बदतर स्थिति को लेकर प्रखंड विकास पदाधिकारी शिवशंकर राय ने बताया कि पंचायत में शत प्रतिशत काम पीएचडी के जिम्मे है। उन्होंने कहा कि काम काफी तेजी से हो रहा है। वीडियो की माने तो जल्द ही ग्रामीणों को आर्सेनिक वाले पानी से मुक्ति मिल जाएगी। जल नल योजना पीएचडी विभाग में और पूरे पंचायत का पीएचडी विभाग में है, इसलिए कहीं सात निश्चय के तहत नहीं हो रहा है, पीएचडी विभाग के तहत होगा। हम लोग प्रयास में हैं, कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से हो जाए, हमारे पंचायत में जल का सुविधा हो, जल नल का, पंचायत संपन्न हो, सुखी हो। बीसीएन न्यूज़ के लिए भागलपुर से मनोज कुमार सिंह की रिपोर्ट।